महामुंबईला सुरुवात करूयात। पंतप्रधान मोदींची कोल्हापुरात जाहीर सभा संपन्न झाली आणि या सभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी इंडिया आघाडीवर घणाघात केला। इंडिया आघाडीकडून वोट बँकेचं राजकारण केलं जात असून एक वर्ष एक पंतप्रधान हा त्यांचा फॉर्म्युला असल्याची टीका त्यांनी केली। नकली शिवसेना काँग्रेससोबत खांद्याला खांदा लावून असल्याचं म्हणत त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली। सरकार बनाव नोट कमाव हा इंडिया आघाडीचा अजेंडा असून काँग्रेसची अवस्था फार बिकट असल्याचा टोला त्यांनी लगावला। और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे हैं, एक साल एक पीएम, ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर पांच साल मौका मिले तो पांच प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि आप जीवन भर जो कमाएंगे, अपनों या बच्चों के लिए जो कुछ भी जोड़ते रहेंगे, वो पूरा का पूरा आपके संतानों को नहीं मिलेगा। आज आपके पास गाड़ी है तो आप अपने बेटे को दे सकते हैं, घर है दे सकते हैं, खेत है दे सकते हैं। ये कांग्रेस के शहजादे फॉर्मूला लाए हैं। कांग्रेस के शहजादे, उन्होंने घोषणा की है कि वो आपकी संपत्ति की महिलाओं के गहने और सोने चांदी की जांच करवाएंगे। आपकी कमाई को कांग्रेस उन लोगों में बांटेगी जिनका ये देश पर पहला हक है, ऐसा बताते हैं।